जब किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है तो वो एक्चुअली में इनविजिबल होता है, वो हमें दिखता नहीं है, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस को कंसीडर करते हैं जिनको कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज कहा जाता है, है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो है एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बिहेवियर होता है उस बिहेवियर को, उसके डायरेक्शन को, उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, है ना। तो उनको समझने में हमारी हेल्प करती है, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज के बारे में पढ़ा जाता है। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज के बारे में ही डिटेल में समझने वाले हैं। इनको कहा जाता है दीज आर इमेजिनरी लाइंस टेंजेंट ऑन विच एट ए पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मैं कहता हूं कि किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से ड्रॉ किया हुआ है ना, तो हमें पता है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पर, कहीं इधर या इधर भी हो सकता है लेकिन टेंजेंट के पैरेलल ही होगा। तो अगर लाइंस ऑफ फोर्सेज कहीं ड्रॉ की हुई हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो पता कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर केसेज में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हमने यहाँ पर दिखाया है। जैसे अगर कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब केवल पॉजिटिव चार्ज है, आसपास में और कोई भी फील्ड नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज निकल रही हैं और इन्फिनिटी तक जा रही है, क्योंकि जो निगेटिव चार्ज है उसको हम लोग मान रहे हैं इन्फिनिटी पर, बहुत दूर है, आसपास में कोई चार्ज है नहीं, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज निकल रही हैं, है ना। हमें पता है अगर पॉजिटिव चार्ज होता यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो सर फोर्स इधर लगेगा, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होना चाहिए। उसी तरह से अगर कोई निगेटिव चार्ज है, आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज है, तो उसमें इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो है इन्फिनिटी से आकर के इंटर कर रही होती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। अगर ये निगेटिव चार्ज होता यहाँ पर मैं एक टेस्ट चार्ज रखूंगा तो उस टेस्ट चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, और इसीलिए जिधर ये फोर्स लगाएगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर उधर ही फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा मान लिया जाए कि दो आइडेंटिकल नेचर के चार्जेज हैं यहाँ पर, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं दोनों, ठीक, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज का बिहेवियर कैसा है। ये दोनों कहीं पर टच नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, है ना। ऐसा लग रहा है कि ये रिपल्शन हो रहा है इनके बीच में भी, इधर वाली लाइन्स उधर नहीं जा रही, इधर वाली इधर नहीं आ रही है। तो इनको निकल करके एक्चुअली में इनको तो इन्फिनिटी पर जाना था, इधर भी इन्फिनिटी पर जाना था, लेकिन ये दूसरा वाला है तो इन लाइन्स को इधर आने नहीं दे रहा है। बीच में एक्चुअली में क्या होगा, दोनों के कारण से बीच में कहीं फील्ड हो गया होगा जीरो। अगर फील्ड यहाँ पर जीरो है इसका मतलब वहां पर फील्ड ऑफ लाइन्स होनी ही नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पर बिहेवियर कुछ ऐसा होता है, इससे भी लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकल रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, इसे भी निकल रही है, लेकिन बीच में जो है एक जो है कह सकते हैं कि एक जीरो फील्ड क्रिएट हो गया है यहाँ पर, है ना, एक न्यूट्रल रीजन क्रिएट हो गया है जहां पर कोई फील्ड नहीं है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो एक निगेटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रही है और निगेटिव में इंटर कर रही है, ये दोनों पास पास में रखे हुए हैं, ये दोनों भी पास पास में रखे थे, तो वहां पर आइडेंटिकल नेचर के चार्जेस थे, यहां पर डिफरेंट नेचर के चार्जेस हैं, अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, तो एक में से लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रही है दूसरे में इंटर कर रही है, पॉजिटिव से निकल रही है निगेटिव में इंटर कर रही है ना। तो आप देखेंगे इधर से निकल करके जो इन्फिनिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसे जाकर के घूम करके इंटर कर रही होंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज की जो प्रॉपर्टी होती है वो यहां पर हम लोग पता करेंगे। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी बताई गई है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स, है ना। अगर मैं कहूं कि पॉजिटिव चार्ज है ये, यहां से लाइन्स ऑफ फोर्सेज निकल रही हैं, अगर बीच में ब्रेक आ गया इसका मतलब ये होगा कि इधर यहां पर फील्ड नहीं है, फिर आगे फील्ड आ गया, कैसे आएगा, या तो बीच में यहां पर कोई चार्ज होना चाहिए तभी आगे फील्ड क्रिएट कर सकता है, है ना। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो गया तो आगे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आना नहीं चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज क्या होती है, कंटिन्यूअस कर्व होती है, वो जहां तक फील्ड है वहां तक ये जाएंगी, जहां फील्ड खत्म हो गया उसके बाद नहीं मिलेंगी, उसके बाद आगे कहीं भी नहीं, ब्रेक ब्रेक कहीं आएगा नहीं बीच में, है ना, कंटिन्यूअस कर्व होती है।
जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेज एंड एंड एट निगेटिव चार्जेज। जैसा कि यहां पर दिखाया गया है, पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज हो रही है और निगेटिव चार्ज में जो है, अगर निगेटिव चार्ज है आइसोलेट उसमें इंटर करती है ना। तो इसी पॉइंट को यहां पर समझाया गया है, अगर आइसोलेटेड है तो इससे इन्फिनिटी की तरफ जा रही होंगी और इससे इसमें इन्फिनिटी से आ रही होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। मतलब जैसे यहां भी देख सकते हैं, इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया। क्रॉस करने का मतलब ये हुआ कि अगर दो लाइन्स ऑफ फोर्सेज एक दूसरे को क्रॉस कर गई तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो डिफरेंट डायरेक्शन में आएगा, जबकि हमें पता है कि हर पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए, एक ही मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो इसलिए जो है दो लाइन्स ऑफ फोर्सेज एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती इस तरह से, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। मतलब ऐसा कोई क्लोज लूप ये नहीं बनाती है। अगर क्लोज लूप बनाती तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कंजर्वेटिव फील्ड नहीं कहलाता। कंजर्वेटिव क्यों नहीं कहलाता? हम लोग जानते हैं कि कंजर्वेटिव फील्ड में अगर पार्टिकल को एक पॉइंट से चला करके घुमा कर जब वापस वहां पर ले जाना चाहिए तो वर्कडन जीरो हो जाता है ना। मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था घुमा करके वापस किसी कंजर्वेटिव फील्ड में वापस उस पॉइंट तक ले जाते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्कडन जीरो हो जाता है ना। जबकि इसमें नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां से किसी पार्टिकल को इस लाइन के अलोंग लेकर जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव वर्क कर रहा होगा। यहां तक आते आते हर जगह पॉजिटिव वर्क ही उसने किया होगा। अगर हर जगह पॉजिटिव वर्क ही किया है तो जीरो तो कहीं होगा नहीं, कम से कम कुछ जगह तो निगेटिव होना चाहिए था, तो टोटल कैंसिल होकर जीरो होता। तो हर जगह चूंकि पॉजिटिव पॉजिटिव वर्क ही हुआ है इसलिए टोटल चार्ज तो टोटल वर्कडन जो है वो जीरो नहीं होगा। अगर टोटल वर्कडन जीरो नहीं हुआ, क्योंकि टोटल वर्कडन जीरो नहीं हुआ जबकि वापस वहीं पर पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि जो फील्ड है कंजर्वेटिव नहीं हो पाएगा और इसी कारण से ऐसा क्लोज लूप ये नहीं बनाती है, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टी हो गई और हम लोग कुछ और नई प्रॉपर्टीज भी इनके बारे में सीखेंगे। ये चार प्रॉपर्टी जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैं कुछ और प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं आपको जिनको जानना बहुत जरूरी है अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज के बिहेवियर को समझना है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज की चार प्रॉपर्टीज मैंने बताया, आप देखेंगे कि ये चारों जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। यहां पर एक्स्ट्रा और तीन प्रॉपर्टीज के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन अगर बोर्ड में कभी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज की प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाता है तो पहले ये चार को जरूर मेंशन करना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। अगर और आप मेंशन करना चाहते हैं तो भी इनको भी कर सकते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इनफैक्ट क्वेश्चंस करने के लिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तो इनको हम लोग समझते हैं। जो प्रॉपर्टी यहां पर बताया गया है ये है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मेटालिक सरफेसेज। आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज के बारे में, है ना। तो एक प्रॉपर्टी आती है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज होती हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि हर मेटालिक सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है तो उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज होती है, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज एट दैट पॉइंट, है ना। मतलब अगर किसी पॉइंट पर इनकी डेंसिटी ज्यादा हो, लाइन्स ऑफ फोर्सेज की डेंसिटी ज्यादा हो तो कहेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। किसी चार्ज को उस पॉइंट पर ले जाएंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज्यादा लगेगा, है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लिया कि यहां पर पॉइंट चार्ज है तो यहां से लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो है ऐसे निकल रही होंगी, जैसा कि हमने बताया है ना, इस तरह से खूब सारी लाइन्स ऑफ फोर्सेज हर डायरेक्शन में निकल रही होंगी। मैं ये मान रहा हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो
अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज आएंगी। अगर मैं दूर चले जाता हूं यहां पर उतने ही वॉल्यूम में देखेंगे तो कम लाइन्स ऑफ फोर्सेज आएंगी, यानी दूर जाने पर डेंसिटी घट रहा है, डेंसिटी घटेगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटेगा, पास में चूंकि डेंसिटी ज्यादा है और इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा आएगा। ठीक, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये वैसे अनऑफिशियल प्रॉपर्टी है लेकिन ये बहुत काम का है, मतलब जब भी हम लोग फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं, गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी काम में आता है। ये बताया गया है कि 1/ε0 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज इमर्ज आउट फ्रॉम +1 कूलम्ब चार्ज एंड 1/ε0 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज इंटर इंटू -1 कूलम्ब चार्ज। कहने का मतलब ये है कि अगर +1 कूलम्ब चार्ज होगा तो यहां से जो लाइन्स निकलेंगी उनका नंबर कितना होगा, 1/ε0 यानी कि 1/8.85×10^-12 ये नंबर ऑफ लाइन्स हो गया। समझ सकते हैं कि अगर 1 कूलम्ब से इतनी लाइन्स निकल रही हैं तो अगर 2 कूलम्ब होगा तो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 3 कूलम्ब होगा ट्रिपल हो जाएगा, अगर q कूलम्ब चार्ज होगा तो q/ε0 इतनी लाइन्स निकलेंगी, है ना। उसी तरह से अगर कोई निगेटिव चार्ज है, -1 कूलम्ब चार्ज है तो इसमें जो है लाइन्स ऑफ फोर्सेज बाहर से आकर के इंटर करेंगे, कितनी, 1/ε0। अगर ये -2 कूलम्ब है तो 2/ε0 लाइन्स उसमें आकर इंटर करेंगी, अगर -3 कूलम्ब चार्ज है तो 3/ε0 लाइन्स ऑफ फोर्सेज आकर के इंटर करेंगी, अगर -q कूलम्ब चार्ज है तो q/ε0 लाइन्स जो है बाहर से जाकर उसमें इंटर करेंगी। तो इस तरह से हम लोग लाइन्स ऑफ फोर्सेज को काउंट कर सकते हैं, कितनी लाइन्स ऑफ फोर्सेज इस चार्ज से निकल रही होंगी या इस चार्ज में इंटर कर रही होंगी, है ना। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज की।